ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के राजधानी माने जाने वाले रीवा का एक तरफ महानगर के तौर में विकसित करे के बात कही जा रहा है, विकास काम हो रहे हैं यहाँ, तो दूसर कई महानगरी के रूप में अग्रसर होने वाली रीवा बता दी कि अपराधों की राजधानी बनते खास लाही पे। अब हाल ही में बता दी कि हनुमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जघन्य अपराध संज्ञा बरा, जहां 16 साल के नाबालिग बच्चा के द्वारा ऐसा कारनामा कीन गरहा के पुलिस कर्मिन के घलाए होश फाकता हुई गई। मामला ठंडा भा नहीं कि दूसर वारदात सुनने आई है रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र से, जहां एक बुजुर्ग के पीट पीट के जान ले लीन गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल हम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा जिला के मनगवा थाना के अंतर्गत सिमरी खुर्द गांव में एक किसान के पीट पीट के जान ले लीन गए। पुलिस के मुताबिक शनिवार के सवेरे 10 बजे किसान खेत से लौटत रहे और लौटे के दौरान घात लगाए बैठे 4 बदमाशन के द्वारा किसान का घेर लेंगा। पुरान रंजिश कलई के आरोपी के द्वारा हमला कई देंगा। आनन फानन में घायल अवस्था में किसान का परिजन लेके संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बता दें कि किसान के जान चली गई। गंभीर हालत देख के मनगवा थाना में बता दें कि अपराध दर्ज करवाया गया रहा, जहां आईपीसी के धारा 341, 294, 323, 307, धारा 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया रहा। वहीं किसान के मौत के बाद मनगवा पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई है और एक बाद शव के पोस्टमार्टम करवावा गया है। मनगवा थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल के द्वारा बतावा गया कि राहुल पटेल पुत्र लालमणि पटेल उम्र 42 साल निवासी सिमरी खुर्द के उपचार के दौरान जान चली गई। जीवित अवस्था में राहुल के द्वारा पुलिस के सामने बयान दिए गए रहे और बतावा गया रहा कि आरोपी वीरेंद्र पटेल निवासी सिमरी खुर्द, प्रकाश पटेल निवासी कांटी, छोटू पटेल निवासी कांटी, हिंचलाल पटेल निवासी सिमरी खुर्द के द्वारा बुजुर्ग किसान के बता दें कि ताबड़तोड़ पिटाई की गई, बेरहमी से पिटाई करे के कारण किसान गंभीर रूप से घायल हो गए रहे, जिनका अस्पताल में जो है उपचार के दौरान जान चली गई। परिजन के द्वारा आरोप लगावा गया कि 4 आरोपी के सहित एक अज्ञात बदमाश के द्वारा मिलकर लाठी डंडा से लैस हुई के हमला कई दिन का शोर शराबा सुन के परिजन पहुंचे, जिसके बाद बीच बचाव कीनगा सिर में गंभीर रूप से जख्मी चोट जो है लग गई रही है और एक कारण किसान जख्मी हो गए रहे। नाजुक हालत देख के संजय गांधी अस्पताल में आनंद फानन में भर्ती करवावा गया रहा, जहां बता दी कि किसान के जान जाए के बाद धारा जो है आईपीसी के तहत 302 की धारा बढ़ाई दी गई है और मनगवा पुलिस अब मामले में फरार आरोपी के तलाश कर रही है। तो बता दें कि जहां एक कई रीवा जो है महानगर बन रहा है, विकास कर रहे हैं, विकास काम हो रहे हैं, चाहे चुनाटा हवाई पट्टी के बात की जाए या फिर स्वास्थ्य सेवा में या फिर सड़कन के बात की जाए, तो लगातार विकास काम हो रहे हैं, तो दूसर कई अपराध जो उन्हें उतने तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि डीआईजी नवनीत भसीन के द्वारा लगातार यह प्रयास की जा रहा है कि अपराध में कमी लाई जाए, आरोपी के धरपकड़ की जा रहा है। हाल ही में बता रही कि हनुमना थाना क्षेत्र में जघन्य हत्याकांड सोहियाबा रहा, जेकर खुलासा पुलिस के द्वारा कई दिन का वह बता दें कि फिर से यह मेर के मामला सोहियाबा मनगवा में, जहां पुलिस प्रशासन का जो है आए दिन चुनौती बदमाशन के द्वारा दिन जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का एक चुनौती स्वीकारे चाहिए और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करके इनके ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करे चाहिए। तो दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।